नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए डालते हैं नजर ललितपुर जिले की कुछ खास खबरों पर। ललितपुर जिले के ग्राम कटोरा कलां के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि गांव में डेढ़ माह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लोग गांव में बीमार हो रहे हैं और रात में अंधेरे में निकलने को मजबूर है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है गांव की लचा विद्युत व्यवस्था सुचारू की जाए। आइए देखिए विस्तृत रिपोर्ट। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ सहयोगी पंकज रैकवार और महेंद्र सिंह गुंडेला की रिपोर्ट। मेरा नाम भज्जू है और मैं प्रधान प्रतिनिधि झुकपुरा का हूँ और मेरे गांव में बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है। दो ढाई महीने हो गया जब से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं दो और तभी से लाइट नहीं आ रही है। और SDO साहब से भी की शिकायत की, एक्सियन साहब से भी की है, जेई साहब को भी पता है, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा है। और डेढ़ महीने के करीब डेढ़ दो महीने हो गए हैं। जी हाँ, आज ज्ञापन दिया DM साहब के यहाँ पर, जब सभी लोगों से परेशान होकर फिर DM साहब के पास आए हैं। क्या आश्वासन मिला? अब वो कह रहे हैं कि हाँ एक दो दिन में करवा दे रहे हैं। मेरा नाम मोहन लाल है, मैं ग्राम जोगपुरा से आया हूँ, वार्ड नंबर 8। करीब डेढ़ माह से लाइट खराब है, वहाँ पर बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में परेशान हो रहे हैं जाने को। डेढ़ माह से बिजली नहीं आ रही है, DP फूकी है और ना कोई सुन रहा है। JE को किया और SDM साहब को कहा, सबको शिकायत की, मगर कोई वहाँ सुधार नहीं हुआ है। अभी ये आश्वासन मिला है कि उसको सुधरवा देंगे। सभी लोग एकत्रित होकर के हम लोग फिर DM साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं कि जिससे सही सुधर जाए और हम लोगों को बिजली मुहैया हो सके।